बाहर निकल चुकी है, उनका काफिला बाहर निकला है। प्रवर्तन निदेशालय के अंदर तमाम सवाल जवाब जो है वो सोनिया गांधी से किए गए और इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो सोनिया गांधी देती हुई नजर आई। सबसे अहम ये क्योंकि इसके ठीक पहले जो पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी से पूछताछ तकरीबन 2 घंटे 21 मिनट तक चली थी और अब सोनिया गांधी से आज यानी कि मंगलवार को जो पूछताछ हुई उस पूछताछ का दायरा तकरीबन 3 घंटे का रहा। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। वो तमाम सवाल जो आज अहम थे उन सवालों को भी रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। जो सवाल जवाब सोनिया गांधी से आज प्रवर्तन निदेशालय में किए गए और इन तमाम सवालों के बीच जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी और इस प्रदर्शन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी को डिटेन किया गया और डिटेन किए जाने के बाद राहुल गांधी को अभी फिलहाल थाने के अंदर बैठाए रखा गया है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है, सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय से बाहर निकल चुकी हैं। जो पूछताछ उनसे प्रवर्तन निदेशालय में हो रही थी वो पूछताछ आज दूसरे राउंड की खत्म हुई है और वो यहां से बाहर निकल चुकी हैं। इसके ठीक पहले तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब ठीक 11 बजे सोनिया गांधी यहां पर प्रवर्तन निदेशालय पहुंचती हैं, उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहते हैं। राहुल गांधी उन्हें ऑफिस के अंदर तक छोड़ने के बाद वो फिर सीधा यहाँ से संसद भवन तक जाते हैं और संसद भवन पर जाने के बाद वो प्रदर्शन में शामिल होते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाता है और इन सब के बीच उधर लगातार प्रवर्तन निदेशालय के तमाम अधिकारी सोनिया गांधी से सवाल जवाब करते हैं और इन सवाल जवाब के बाद तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ और 3 घंटे की इस मैराथन पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। उनके बगल में प्रियंका गांधी बैठी थी, जैसा कि सुबह भी हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी जब ईडी के दफ्तर के सामने ये गाड़ियां जाती हैं तब सोनिया गांधी के ठीक बगल जो है वो प्रियंका गांधी बैठी हुई नजर आती हैं और अब पूछताछ के बाद जब ये काफिला बाहर निकलता है तो इस काफिले में भी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के ठीक बगल बैठी रहती हैं। मीडिया के तमाम सवालों के जवाब तो देते हुए नहीं नजर आते, उनका काफिला यहां से निकलता है और काफिला निकलने के बाद अब सबसे बड़ी बात ये कि अब सोनिया गांधी को क्या दोबारा ईडी जो है वो बुलाएगी, क्योंकि 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी इससे ठीक पहले जून महीने में तकरीबन 5 राउंड की पूछताछ हुई और इन 5 राउंड की पूछताछ के बाद सबसे अहम बात ये कि जो 3 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मुख्य तौर पर राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे थे वही 3 अधिकारी मुख्य प्रवर्तन निदेशालय की आज सोनिया गांधी से भी पूछताछ करते हुए नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी के जो जवाब थे ईडी जो सवाल पूछ रही थी उन सवालों के जवाब जो राहुल गांधी ने दिए उन तमाम सवालों के जवाबों को टैली किया गया होगा। सोनिया गांधी से भी कुछ वैसे ही सवाल आज जरूर पूछे गए होंगे जिन सवालों के बाद अब इन सवालों के जवाब के बाद सोनिया गांधी अब प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट इस बीच अपने दर्शकों को प्रवर्तन निदेशालय के बाहर से अब यही बता देंगे कि सोनिया गांधी जो है वो प्रवर्तन निदेशालय से बाहर निकल चुकी हैं। उनका काफिला यहां से अब से तकरीबन 3 मिनट पहले निकला है और उनके ठीक बगल प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। प्रियंका गांधी इसके ठीक पहले वाली जो पूछताछ 21 तारीख को हुई थी उस पूछताछ में भी प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी और ये ईडी का वो दफ्तर जहां पर तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ चली और अब 3 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी यहां से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। मैराथन पूछताछ 3 घंटे, वो तमाम सवाल जवाब किए गए जिन सवाल जवाबों को लेकर हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े वो तमाम सवाल जिन सवालों का सामना सोनिया गांधी को करना पड़ा उन सवालों के सामने के बाद अब सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं।